अब बात कर लेते हैं कुछ स्टोरीज़ के बारे में। सबसे पहले टिकटॉक के बारे में बात करते हैं। पहले टिकटॉक की रेटिंग ऑलमोस्ट अराउंड 4.6 के थी, जो कि अब कम होके हो चुकी है 3.6। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा भी यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक को लेकर के एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। अब बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो फाइनली हर्ष बेनीवाल का वीडियो आ चुका है यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक को लेकर। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है। छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्या होता है ना कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ नया करते हो ना, लीक से हटके, तो गाली पड़ती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना एज अ टिकटॉकर, तो मुझे भी गाली पड़ी थी। इनफैक्ट जब आपने आर्जिंग शुरू की होगी तो आपको भी पड़ी होगी, तो मेरे को भी ऐसी पड़ती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। गेट खोलो राम जाते बनाओ तेरे टिकटॉक से दिला दो तेरे को पॉपुलर क्रिएटर। गेट खोल पे तोड़ो तेरे रिंग लाइट। गेट खोल मेरा। नमस्ते भैया। नमस्ते। गई तेरी माँ। चार चार घंटे लगते तेरे को गेट खोलने में, माना तेरे को चार घंटे टिकटॉक की वीडियो बनाने में लगते। पगया से प्यार। यूट्यूबर का मकान है ना, तो इस महीने किराया नहीं दिया, तो टाइम टू टाइम मारता रहता है। अब बात कर लेते हैं अवनीश सिंह के बारे में। तो अवनीश सिंह ने अपने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था YouTube वर्सेस TikTok को लेकर। जब उन्होंने वो वीडियो अपलोड किया था, तो उसके बाद से ही उनके Instagram को हैक करने की कोशिश की जा रही है। एंड जो हैक करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ की लोकेशन दिखा रहा है मॉस्को रशिया। तो इसके ऊपर अवनीश सिंह ने रिएक्ट करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, पर कल वीडियो डालने के बाद से दो तीन बार इंस्टा लॉग इन हुए, मैंने लोकेशन भी डाली है कहाँ से हुए हैं, मॉस्को। और दूसरी चीज़ मैं नहीं बोलना चाह रहा था, बट यार अपने आप लॉग आउट हो जा रहा है इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज करने के बाद भी। अभी कम से कम मैंने 100 बार लॉग इन करने की कोशिश की है, सुबह से 3 बार ऐसा हुआ है तब जाके, नहीं तो मेरा इंस्टा यूज़र नेम नहीं दिखा रहा है पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पे। दूसरी भाई, अगर ये जो हरकत तुम लोग कर रहे हो भाई, ये मत सोचना कि बहुत डर गया या तुम लोगों ने कुछ बड़ा उखाड़ लिया। बस मैं इतना कहूँगा भाई, तुम लोग की रिकॉर्डिंग लीक हो रही है अपनी हरकतों पे, जो तुम खुश हो रहे हो भाई, यहाँ सब ना तुम्हारे पापा दादा बैठे हुए हैं, तो मत करो यार। और लगना ये मुँह तो भाई मैसेज कर लो, फ़ोन पर बात कर लो, सीधा मुँह लग लो ना भाई। ये क्यों वाली हरकतें कर रहे हो यार, कि फिर मैं शुरू हो गया, फिर इस पे एक और आगे बात बढ़ गई, फिर तुम खुद ही रोओगे भाई। मैं नहीं रोऊंगा भाई, और बहुत बैठे हैं तुमको रुलाने वाले, तो दिमाग से थोड़ा समझ लो। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं यही कहूंगा कि ये 7th-8th class के बच्चे किया करते थे ये वाली हरकत। अगर तेरे से हैक हो तो हैक करवा लियो, खुश हो जाइयो बेटा। लेकिन उसके बाद मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी, सारे यूट्यूबर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, मीमर सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी भाऊ सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इन दी एंड तुम्हारा क्रिंज इनटू 100, गालियां खा के मर जाओगे, आगे तुम्हारे ऊपर है। अब बात करते हैं अदनान के बारे में। तो आप सभी को पता होगा अदनान की भी कॉल रिकॉर्डिंग अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। लक्ष्य एंड कैरी मिनाडे का वीडियो उड़ चुका है, अभी और भी काम करना है। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए रियल हिट ने वीडियो बना दिया है, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और नया प्राणी पिंजरे में से निकल चुका है, तो आज जरा उसको भी समझाते हैं। पता नहीं लीक हुई है या लीक करवा रहे हैं, खुद से फैला रहे हैं वीडियो, पता नहीं क्या चाहते हैं। या तो हो सकता है कि इन लोगों को लग रहा हो कि ये लोग ऐसी ऑडियो भेजते रहे और हम लोग इनके बारे में बोलते रहे, और ये लोग क्लेम डाल दें वीडियो पे या हमारे चैनल पे स्ट्राइक डाल दें, ये इनका प्लान हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के वीडियो के बारे में। कैरी मिनाटी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था आज, वो तो आप सभी ने देख लिया होगा। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो जो लोग खुश हो रहे थे ना कि कैरी मिनाटी का वीडियो रिमूव हो गया, शांति मिल गई हमें, अब चैन मिल गया, सुकून मिल गया, उस पर इतने लाइक्स थे, 10 मिलियन प्लस वो रिकॉर्ड बना रहा था, फाइनली वो डिलीट हो गया। तो भाई मैं आपको बता दूँ, आपने सिर्फ वीडियो को डिलीट किया है, सपोर्ट एंड कैरी मिनाटी के लिए जो फैंस का प्यार है ना, वो आप डिलीट नहीं कर सकते। कैरी मिनाटी ने आज जो वीडियो अपलोड किया है उस पर अभी 6 घंटे हुए हैं वीडियो को अपलोड हुए, और 11 मिलियन प्लस व्यूज़ आ चुके हैं, 4 मिलियन प्लस लाइक्स आ चुके हैं। जब ये वीडियो अपलोड हुआ था 1 घंटे के अंदर 2 मिलियन प्लस लाइक आ गए थे। तो यार आप कहाँ तक रोक सकते हो किसी बंदे को, नहीं रोक सकते। आप वीडियो तो डिलीट करवा सकते हो, बट सपोर्ट एंड फैंस का जो प्यार है ना, वो आप नहीं रोक सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड कैरी मिनाटी अभी बहुत आगे जाएगा यार, ही इज़ ग्रेट मैन। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी ने आज अपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था क्वेश्चन एंड आंसर का। वहाँ पर एक बंदे का क्वेश्चन था, सर आपने टिकटॉक को क्या धोया है, मतलब टिकटॉक के बारे में क्वेश्चन था। तो टेक्निकल गुरुजी ने इस पे क्या रिएक्ट किया, आइए देखते हैं।
अगला सवाल पूछा है आर्यन ने, बोलते हैं कि हाय गुरुजी आपने क्या धोया टिकटॉक को? नहीं यार मैंने कुछ नहीं धोया भाई, मैं हाथ जोड़ के मुस्कुराया था वीडियो में, मैंने सिर्फ और सिर्फ सफाई की थी, थोड़ा सा ऐसा लिया और बड़े आराम से, मतलब देखो मैंने शोर भी नहीं मचाया, मतलब एकदम शांति बनाए रखे हुए, बस सीधा अपने हाथों को साफ किया, फोन्स को साफ किया और हम सभी को सफाई रखनी चाहिए, मैंने सिर्फ उसका थोड़ा संदेश दिया। अब धोना वोना जो है वो भी हालांकि सफाई का हिस्सा होता है, तो टेक्निकली समझ सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद टेक्निकल गुरुजी से एक बंदे ने मॉस्को के बारे में पूछा, मॉस्को की ट्रिप के बारे में, तो टेक्निकल गुरुजी ने इस पे क्या रिएक्ट किया, आइए देखते हैं। यार देखो हर्ष बेरीवाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा एक इंसान भी है, और मेरा ये मानना है कि, और कैरी भी इनफैक्ट बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरा ये मानना है कि न सिर्फ रोस्ट न सिर्फ फ्राई, क्यों ना रोस्ट फ्राई रोस्ट फ्राई रोस्ट फ्राई रोस्ट फ्राई रोस्ट फ्राई, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों ये थे अगर कुछ सवाल, और एक और सवाल भी आया था बीच में, मैंने शायद ऐसा लगता है क्योंकि अभी सामने नहीं आया, मैंने उसका शायद स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, मैं सामने से उसको पिक कर रहा था। सवाल में मॉस्को ट्रिप के बारे में जिक्र था कि मैं कभी मॉस्को गया हूँ क्या, तो यार मॉस्को में गया नहीं हूँ, मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया हूँ, लेकिन मतलब रशिया गया हूँ लेकिन मॉस्को नहीं गया, और अब तो लगता है कि मॉस्को जाना भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं राउंड टू हेल के बारे में, तो राउंड टू हेल के आर्टिस्ट नाजिम अहमद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप अपलोड किया था जो कि यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक को लेकर था, एंड उन्होंने बोला था जल्दी वीडियो भी आ रही है, तो आप उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। चलते हैं मुंबई का निखिल की तरफ। मुंबई का निखिल ने अपने YouTube पर आज एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो के अंदर उन्होंने डिसलाइक और लाइक्स के बारे में बात की थी, एंड उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया था, देयर शुड बी अ सेपरेट ट्रेंडिंग सेक्शन फॉर मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो। तो आप समझ गए होंगे किस वीडियो के बारे में बात की जा रही है। मुंबई का निखिल ने अपनी वीडियो के अंदर मिस्टर फैजू के बारे में भी बात की, तो आइए उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले कहा था YouTube को सिर्फ एंगेजमेंट से फर्क पड़ता है, लाइक डिसलाइक से एंगेजमेंट होती है, और कमेंट भी अपने थॉट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो बट लिखो। तो पहले मैं इस वीडियो को टाइटल रखने वाला था मेक दिस वीडियो द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो एवर, फिर मुझे कुछ सही नहीं लगा, बहुत क्रिंजी हो जाता, वैसे भी टाइटल किसी और के हाथ में, तो एनीवेज गाइस आज के लिए बस इतना। चलते हैं लास्ट और फाइनल न्यूज़ की तरफ। बी यूनिक ने अपने इंस्टाग्राम पर आज एक छोटा सा वीडियो क्लिप अपलोड किया था जिसके नीचे लिखा था प्रॉब्लम टिकटॉक से नहीं क्रिंज से, तो आइए उस वीडियो क्लिप को भी देख लेते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ।